एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो में लेकर के आई हूँ क्रॉप इंटेंसिटी को लेकर के। ये ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर का थोड़ा सा मिला जुला टॉपिक है, बट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एक पार्ट कह सकते हैं ज्योग्राफी का, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्टिव से भी और ज्योग्राफी के भी प्रोस्पेक्टिव से भी। तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इसको समझ लेते हैं कि क्रॉप इंटेंसिटी क्या होती है। देखिए, जैसे जैसे अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, धरती पे जो मनुष्य है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो फूड डिमांड है यानी कि उस मनुष्य के लिए खाने के लिए जो खाना है, फूड है, वो भी उसकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, जितने ज्यादा लोग, उतनी ज्यादा हमें फूड सप्लाई भी चाहिए, उतना ज्यादा हमें अनाज भी उगाना होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, उसके हिसाब से हमें फूड की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, फूड डिमांड भी इंक्रीज हो रही है एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, तो हमें फूड का जो सप्लाई है, जो उसकी ग्रोथ है, जो एग्रीकल्चर है, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और फूड को हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टू फुलफिल दिस डिमांड देर आर टू वेज, और वो दो तरीके कौन कौन से जिससे हम फूड की जो डिमांड है वो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तो अगर इतने हिस्से में, सपोज इतने हिस्से में फार्मिंग हो रही है किसी चीज की, हम उसके एरिया को बढ़ा दें। पहले हम इतने एरिया में फार्मिंग कर रहे थे, किसी भी चीज को हम इतने एरिया में उगा रहे थे, पर अब हमने उसके एरिया को इंक्रीज कर दिया है। फर्स्ट मेथड तो ये है। सेकेंड मेथड क्या होता है? सेकेंड मेथड ये है कि हम जितना एरिया हमें पहले से ही प्रोवाइडेड है उस पे हम ज्यादा क्रॉप्स उगा सकें। दो ही वेज हो सकते हैं ना, या तो हम उसके एरिया को बढ़ा दें तो हमारी क्रॉप, तो हमारा जो अनाज है वो बहुत ज्यादा उगेगा। दूसरा भी ये है कि हमारे पास लैंड तो उतना ही है, बट इस पे जो क्रॉप्स उग रही हैं वो हम डबल कर दें। डबल इन द सेंस कुछ ऐसे मेथड्स का प्रयोग करके, कुछ ऐसे मेथड्स हम मेजर्स उठाएं जो कि इतने ही एरिया में हमारी जो क्रॉपिंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में वन एग्रीकल्चर ईयर के अंदर फूड जो फार्मिंग है इसको बढ़ाना, दैट इज नोन एज फूड क्रॉप इंटेंसिटी। एक पर्टिकुलर एरिया में क्रॉपिंग को बढ़ा देना, फार्मिंग को, क्रॉपिंग को बढ़ा देना, ठीक है, इन वन एग्रीकल्चर ईयर, दैट इज नोन एज क्रॉप इंटेंसिटी। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है कि क्रॉप इंटेंसिटी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, इसकी अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन है वो तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, नेट पे भी मिल जाएगी, बुक्स में भी मिल जाएगी, बट इसको अच्छी तरह समझना और एक्सप्लेन करना वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं इस बिहाफ पे चल रही हूँ कि आपको जो थ्योरी है ऑब्वियसली वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, डिजिटल जमाना है आजकल तो आप नेट पे भी ले सकते हो, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको यहाँ पर करके दे रही हूँ, जो कि पढ़ के अच्छे से समझ में नहीं आती। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्रॉप इंटेंसिटी समझ में आ गई, एक पर्टिकुलर एरिया में क्रॉपिंग को बढ़ा देना, ठीक है, दैट इज नोन एज क्रॉप इंटेंसिटी विद इन अ वन एग्रीकल्चर ईयर। अब हम इसकी परसेंटेज पे देते हैं, क्रॉप इंटेंसिटी है ऑब्वियसली, तो अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं कि जो क्रॉप इंटेंसिटी है, कौन कौन से हम मेजर्स उठा सकते हैं कि हमारी जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, और क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ना अच्छा होता है कि घटना अच्छा होता है, उसके अलावा हमें एक और चीज देखनी है, क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो कि हम परसेंटेज में निकाल सकें। तो बेसिकली आपको ये समझ में आया ना कि क्रॉप इंटेंसिटी होती क्या है? इट इज रेजिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम अ सेम फील्ड, एक पर्टिकुलर सेम फील्ड में ड्यूरिंग वन एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, क्रॉप इंटेंसिटी इन परसेंटेज, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इंटू 100। ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब कितना एरिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना एरिया हमने क्रॉप्ड एरिया, कितना एरिया टोटल है जो कि क्रॉप्ड किया जा रहा है,
नेट सोन हो रही है, मतलब कितने पे बोया गया है और इंटू 100 करेंगे तो क्रॉप इंटेंसिटी निकल आएगी। ऑब्वियसली ये जो क्रॉप इंटेंसिटी है ये हायर होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी हायर क्रॉप इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा एरिया सोन्ड होगा, उगाया जाएगा और उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। कि हायर इन क्रॉप इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब कि जितना ज्यादा क्रॉप इंटेंसिटी हायर होगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, यानी कि ज्यादा क्रॉप्स सोन एरिया में ज्यादा क्रॉप्स उगेंगी विद इन अ 1 एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, हमने ये समझ लिया क्रॉप इंटेंसिटी क्या होती है, परसेंटेज क्या होती है, हायर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सब हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे, इतना तो हमें पता चल गया कि हायर क्रॉप इंटेंसिटी होना अच्छी बात होती है, जितनी ज्यादा क्रॉप इंटेंसिटी हायर होगी उतना ही ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा क्रॉप्स का। ठीक है, तो इसको हायर करने के लिए कुछ मेजर्स उठाए जाते हैं। कुछ मेजर्स उठाए जाते हैं, तो वो मेजर्स क्या हैं जो क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला मेजर है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या है? पानी के द्वारा सिंचाई करना। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करना, क्रॉप रोटेशन करना। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक क्रॉप, उसके बाद दूसरी क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग, ये सब कुछ 4-5 मेजर्स हैं जिससे कि हम अपनी क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ये 4-5 मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इनको करते हैं तो हमारी जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो हायर होगी, इंक्रीज होगी। क्रॉप इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। ये कुछ मेजर्स हैं। ठीक है, इरिगेशन, यूज ऑफ इरिगेशन सिस्टम, फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग। ठीक है, इस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, रिले, मिक्स्ड क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, ये सब क्या होता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे टाइप्स की जो क्रॉपिंग है वो एक ही वीडियो में मैं लेकर के आ जाऊंगी। ठीक है, इस जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कितने टाइप्स की हमारी जो क्रॉपिंग है वो करी जाती है और किस किस तरह से करी जाती है। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी किसी और वीडियो में। ठीक है, तो ये मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो आई होप आपको क्रॉप इंटेंसिटी पूरी समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।